शेखपुरा के जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह ने मंगलवार को समाहरणालय में विभिन्न विभागों में राजस्व को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान माइनिंग विभाग की राजस्व वसूली कम रहने पर डीएम ने माइनिंग पदाधिकारी को जमकर फटकार लगाई। समीक्षा के दौरान डीएम ने खनन पदाधिकारी को कहा कि लक्ष्य 81 करोड़ का है और वसूली मात्र 12%। आखिर इतनी कम वसूली क्यों? वहीं खनन पदाधिकारी द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर और भ्रामक तथ्य रखने पर डीएम ने उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा डीएम योगेंद्र सिंह ने बैठक में क्या कुछ कहा, देखिए शेखपुरा से कुणाल के साथ ललन कुमार की रिपोर्ट। राजस्व वसूली की जो है समीक्षा को लेकर के बैठक हो रही थी विभिन्न विभागों के तहत, जो सरकार का टारगेट है कि इतना राजस्व वसूली करना था। चूँकि वित्तीय वर्ष प्रगति पर है, कई महीने निकल चुके हैं, तो इसलिए हम लोग विभाग वार समीक्षा कर रहे थे कि क्या अभी तक स्थिति रही है इसकी। तो इसमें पाया गया कि खनन विभाग का सबसे कम वसूली है, जो उनका टारगेट है 81 करोड़ के आसपास में। तो उनसे परीक्षा करने पे उनके द्वारा संतोषजनक जवाब भी नहीं दिए गए और भ्रामक भी जवाब दिए गए कई। इसको लेकर के उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उनको जो दंड वसूलना था, जो राजस्व की वसूली करनी थी, उसको भी उन्होंने नहीं किया हुआ है, तो इसके लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जांच का निर्देश दिए इसमें जितने भी ब्लॉक का आवंटन हुआ है उसमें से कितना राजस्व लोगों के द्वारा जमा किया गया है, जिन महीनों का नहीं जमा किया गया है उस पर जो सूद की राशि बनती है अधिनियम के हिसाब से, उसकी भी वसूली करनी थी और ये सारी चीज़ें उनके द्वारा नहीं की गई है, इसलिए बृहद पैमाने पर जाँच का भी आदेश दिया गया है। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।